और दोस्तों हेलो, इस वक्त श्री राम जन्मभूमि में प्रवेश कर चुके हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज की यात्रा हम लोग कर रहे हैं प्रयागराज से अयोध्या की ओर, जो प्रयागराज से करीब 170 से 80 किलोमीटर दूर है। और ये प्रयागराज शहर बहुत ही पुराना पौराणिक शहर है। ये इस चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम होता है, जहाँ पे हर 12 साल में महाकुंभ और हर 6 साल में अर्धकुंभ लगता है। और इस यात्रा में हम चल रहे हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ प्रयागराज से करीब 4 घंटे की दूरी में पड़ जाएगा। और इस यात्रा में आपको बहुत ही उत्तर प्रदेश के छोटे मोटे गांव देखने को मिलेंगे। और आप प्रयागराज से जैसे ही निकलेंगे, फाफा मऊ की ब्रिज से आपको गंगा जी का बहुत अद्भुत दर्शन करने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मिड वे में आपको सुल्तानपुर मिलेगा, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं, अगर आप अपने लिए चाहते हैं कुछ सब्जी भाजी लेना चाहते हैं। तो चलिए आपको इस यात्रा में लेके चलते हैं। करीब प्रयागराज से 20 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। और आप लोगों में से बहुत लोगों को नॉलेज ये चाहिए थी कि अगर हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज से अयोध्या की ओर आने के लिए, तो रोड की कंडीशन कैसी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रोड की कंडीशन एकदम नंबर वन बना रखी गई है। और यहाँ से करीब प्रयागराज से पहुँचने के लिए अयोध्या तक में 4 टोल पड़ते हैं आपके लिए, और हर टोल में कितना पैसा कटता है उसकी डिटेल मैं आपको मेंशन कर दूंगा, दिखा भी देंगे कौन सी टोल आपको पड़ती है, और बीच में अगर कोई अट्रैक्शन आता है तो वो भी आपको कवर करके देते हैं। दोस्तों, आपसे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी, बहुत खास बात, राज की बात, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं अयोध्या में श्री राम जी का दर्शन करने, जिसका सुगम पास हम लोगों ने बनवा रखा है, जिसके लिए वीआईपी दर्शन हम लोग कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है 15 दिन पहले के लिए, उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूंगा। क्योंकि अयोध्या के दीप उत्सव में हम लोग जा रहे हैं दिवाली के समय, तो बहुत भीड़ होती है। अगर आपको दर्शन करने के लिए आना है तो 15 दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, बहुत अच्छे से वेबसाइट से हो जाएगा दर्शन। मैं आपको दिखा दूंगा, सिर्फ 15 मिनट लगता है दर्शन करने में। अगर आपको आना हो, आरती के लिए भी दर्शन करना हो, तो भी आप करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन से। इसकी जानकारी पूरी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ, और लिंक भी दे दे रहा हूँ आपको, अगर अच्छे से दर्शन करना है। बाकी आगे आपकी रोड की कंडीशन कैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और दोस्तों, ये हम लोग का पहला टोल आ चुका है करीब प्रयागराज से 47 किलोमीटर के चलने के बाद। चलिए आपको अपडेट भी कर देते हैं कि यहाँ पे कितना रुपये पैसा कटता है, बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको भी ऐसे मोटिवेशन मिलती रहती है। करो भाई टाक, ये खुल गया। कितना रुपये कटा आसपास? 87 या 80-90 रुपये कटा है। ये हम लोग प्रतापगढ़ पहुँच चुके हैं, और यहाँ से राम जन्मभूमि करीब 108 किलोमीटर की दूरी पर है, शहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ से लोगों ने ऐसा है कि शहर के अंदर बाईपास नहीं बना रखा है, शहर के अंदर से ही होके जाना पड़ता है। और दोस्तों, ये है भरत चौक प्रतापगढ़ का, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। अगर आप सुबह भी आओ तो करीब इस वक्त 9 बज रहा है, फिर भी आप लोग देख सकते हो कितना भरा हुआ है, जाम बहुत लगता है। सरकार को ऐसे कुछ सोचना चाहिए, यहाँ से एक बाईपास बना के दे, क्योंकि शहर के अंदर जाने से बहुत देर लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है और भीड़ भी बहुत लगी रहती है अगर अयोध्या जाना है तो। और करीब हम लोग प्रयागराज से 90 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ अमेठी पहुँच चुके हैं। यहाँ के लिए ठीक है, क्योंकि इसके लिए अगर यहाँ से अमेठी से अगर प्रयागराज निकलते हैं हम लोग, प्रयागराज से अमेठी होकर निकलते हैं अगर अयोध्या के लिए, तो ये बात के लिए अच्छा है कि यहाँ से बाईपास दे दी गई है, आपको शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रोड भी काफ़ी अच्छी है अगर आपको जाना है आने के लिए। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा है, जो मैं वीडियो की एंड में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये हम लोग जो चल रहे हैं ये सुल्तानपुर आ चुका है, और यहाँ से करीब मिडवे हो गया है, करीब 60 किलोमीटर अब बचा हुआ है, जहाँ से 1.5 घंटा लगेगा और अयोध्या पहुँचने में। तब तक के लिए आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने कितनी अच्छी रोड बन रखी है, आपको यहाँ दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। 162 किलोमीटर चलने के बाद ये एक दूसरा टोल आया है अब तक का, और देखिए यहाँ पे कितना पैसा कटता है, इसको भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों हेलो, इस वक्त श्री राम जन्मभूमि में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना सौंदर्यीकरण किया गया है, क्या खूबसूरत बना दिया गया है अयोध्या को। और आपको आगे चलिए दिखाता हूँ, अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है,
हमारे राम जी के आने की खुशी में। बने रहिए हमारे साथ। तो अभी तक का अपडेट ये है कि कार हमने पार कर दी है, राम के पैड़ी के पास हम लोगों ने अपना रूम लिया है। ये हमारा होटल है, आप देख सकते हैं, होटल रामानंद पैलेस हम लोगों को काफ़ी किफ़ायती रेट में मिला है। चलिए आपको इसका रूम टूर भी दे देता हूँ। और हम लोगों को इस होटल में 103 नंबर रूम मिला है, चलिए आप हमारे साथ अंदर चलिए। और ये है रूम, जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर टेबल चेयर भी दिया है इन लोगों ने रहने रखने के लिए। और यहाँ पे ये रहा बाथरूम, बाथरूम काफ़ी छोटा है, वैसे नहाने भी काफ़ी ठीक है क्योंकि गीज़र उज़र भी सब दिया हुआ है। और एक चीज़ और आपको दिखाने की, यहाँ से तो हम लोग सामान रखा है, ये अपनी सामने ही कार पार्क है, धन्नो खड़ी है, ये देखिए। तो और रूम का रेंट आस पास बताया जाए तो रूम रेंट इस एक दिन का इन लोगों ने 1500 लिया है, तो 3 दिन का 4500 रुपये की। अगर आपको भी आना है, अगर इसमें रूम लेना है ठीक लगता है तो इसकी डिटेल मैं आप दे दे रहा हूँ, नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ये हर सेम राम की पैड़ी से जस्ट आस पास हम अगर देखें तो, या देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ 500 मीटर की दूरी थी। जय श्री राम दोस्तों, अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे, श्री राम जन्मभूमि राम जी का दर्शन करेंगे। और उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हनुमान जी यहाँ पे हनुमानगढ़ी में वास करते हैं माता अंजनी के साथ, पहले वहाँ दर्शन करेंगे क्योंकि वो यहाँ के कोतवाल माने जाते हैं जो अयोध्या को बुरी चीज़ों से बचाता करते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ दर्शन करेंगे, चलिए हमारे साथ चलिए और इस दर्शन में हमारे साथ बने रहिए। हम लोगों ने राम की पैड़ी से हनुमानगढ़ी तक दर्शन करने के लिए ये रामरथ रख लिए कर लिया है, ये 20-20 रुपये लगेगा जाने के लिए और करीब 1 किलोमीटर की दूरी है, पर क्योंकि गाड़ी तो हम लोगों ने पार कर दी है कार अपनी वहीं पे, तो जाने के लिए तो हमको लगता है ये बेटर सही रहेगा जाने के लिए। आप लोग रास्ता देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है, उधर देखिए मंदिर भी कितनी खूबसूरत, पूरी अयोध्या जगमगा रही है जाने के लिए, राम बस राम जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से हमारी अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। देखिए आप सामने भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए फिर आपको राम मंदिर से जैसे ही आगे पहुंचते हैं, हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां से आपको कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों यहां पे क्या कहते हैं, हम लोग ने रास्ते के अंदर आ चुके हैं, टुक टुक वालों ने वही बाहर से छोड़ दिया है और वहां से हम लोग को अगर चल के जाने के लिए तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। चलिए हम आपको हनुमानगढ़ी के अंदर चल लेके चलते हैं, साथ में दर्शन करते हैं। और कितनी भीड़ लगी है देख सकते हैं, करीब 1 घंटा तो लग जाएगा दर्शन करने में। चलिए तब तक हम लोग प्रसाद खरीद लेते हैं। बेसन का लड्डू दे दीजिए, आधा किलो कितने का? 200। हाँ आधा किलो ठीक रहेगा। ढाई 250 ग्राम को 2 कर दीजिए, ऐसा करिए। हम लोगों ने लड्डू ले लिया है करीब ये 250-250 ग्राम का, 2 ले लिया है भोग के चढ़ाने के लिए, जो कि 200 रुपये का पड़ा है आधा किलो। और अब हमको माला लेना है आसपास। अरे तुलसी माला नहीं मिल पाएगा? तुलसी माला यहाँ बंद है, यहाँ तुलसी माला बंद है। क्यों भाई? ये बंद की हुई है। अभी कौन सी चढ़ेगी? यहाँ पर गुलाब की होती है, गुलदौदी की होती है, गेंदे की होती है। तो ये वाली कितने पड़ेगी? ये तो बहुत बड़ी है यार, माता जी की मूर्ति यहाँ पे। हाँ ये माला पहना देते हैं श्रृंगार की, ये पढ़ाया जाता है। ये कितने की पड़ेगी? 250 की एक पूरी माला। पर यार ये तो बहुत महंगी पड़ जा रहे हो तुम। पूरी एक माला में 105 हाथी जितनी की मूर्ति है, पूरी एक माला। और गेंदे वाली, ये वाली गेंदे की 100 रुपये की पड़ेगी। हाँ तो हमको ये 100 वाली दे दीजिए, अब ये 250 वाली नहीं दीजिए, ये वाली चढ़ा दी जाती है, ये भी पक्का है। चलिए हमारे दर्शकों को ये पता रहेगा कि जिनको ये बड़ी माला जो भी जाती है सब सेवा में लगती है। हाँ ठीक है, सामने पुजारी ये देख लीजिए, वो माला बड़ी माला से पहने हुए हैं। ठीक है, ये दे नहीं नहीं हमको यही वाली दे दीजिए, हमारे दर्शकों को पता रहेगा कि अगर उनको चढ़ानी है तो ये वाली चढ़ाएंगे। ऐसे जाएगी ऐसे ही जाता है। और ये चप्पल जूते हैं ये उतार दें। सियापति रामचंद्र की जय। चलिए दर्शन करते हैं।
तो दोस्तों हम लोग का हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया। लोग वैसे तो बताते हैं कि घंटे का दर्शन लगता है, पर हम लोग की किस्मत बहुत अच्छी थी, हम लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर सारे दर्शन हो चुके हैं। और अब इसमें हम लोग आए हैं राम मंदिर दर्शन के लिए, और जो कि हम लोग का पास था तो हम लोग को डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पास की डिटेल मैं बता दिया था आपको कैसे बनाना है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में वेबसाइट आपको बता दूंगा कैसे बनाना है, जिसके लिए आपको तुरंत दर्शन कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल डिवाइस जमा कर देंगे, उसके बाद जैसे ही दर्शन करके आते हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि मोबाइल लेना अंदर अलाउ नहीं है। चलिए दिखाते हैं आपको वैसे भी निःशुल्क दर्शन। ये लॉकर प्रसाद है, मोबाइल है। दोस्तों हम लोग की राम मंदिर का दर्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं लता मंगेशकर घाट पे, और इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लेके आऊँगा, क्योंकि कल यहाँ पे होने वाला है दीप उत्सव, 25 लाख दिए जलाएंगे, ड्रोन शॉट भी दिए जाएंगे और फायरवर्क्स भी होंगे, तो इस चीज़ को हम पूरी तरह से कवर करूँगा। और आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय श्री राम। और इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।